हिसार की महिला थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दुष्कर्म व रुपए ऐंठने के मामले में केस दर्ज किया है। इस मामले में अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंधी महिला थाना प्रभारी सुनीता ने बताया कि एक ट्यूटर ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और इस मामले में ट्यूटर व दो अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गयी है। ये मामला है कि बच्ची नाबालिग है और उसी के परिवार का एक आरोपी है सुशील नाम का। ये उसके पास पहले ट्यूशन पढ़ने जाती थी और मामला पुराना है। अब आरोप लगाए हैं कि भाई मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसके भाई ने छेड़खानी की और एक और अन्य लड़का है गांव का ही अंकित नाम का, उसने भी मेरे साथ छेड़खानी की। वो देखो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको हम उजागर नहीं कर सकते। तीन आरोपी हैं जो मैं आपको नाम पहले भी बता चुकी हूँ, सुशील, राकेश और अंकित, गांव के ही तीनों हैं। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कितने तथ्य सामने आते हैं कितने नहीं, तो वो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।